बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को जो स्पेशल बनाना सिखा रहा हूँ, चिकन चौमियन। जो चिकन चौमियन कैसे बनती है, घर में आप कैसे बना सकते हैं और रेस्टोरेंट में हमारे कैसे बनती है, ये आपको सिखाऊंगा। और इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती है वो आपको पहले वो बताऊंगा, उसके बाद हम फिर जाएंगे प्रोसेस की तरफ। आए जब आपको प्रोसेस की तरफ लेके जब वो इसमें आएंगी नूडल्स, आप उस पर स्पेक्टी यूज़ करते कर सकते हैं। ये हमारी नूडल्स हैं जो हम अपने स्टाइल से बनाते हैं। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा कि हम ये नूडल्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। और इसके लिए और 50 ग्राम इसके लिए चिकन पाउडर आएगा, सॉरी चिकन इसमें आएगा 50 ग्राम के साथ। हमारा 20 ग्राम जो है ओनियन, 20 ग्राम के साथ हमारा 15 ग्राम हमारी कैरेट है इसमें, कैरेट के साथ हमारी जो है 20 से 25 ग्राम हमारी कैबेज है, 25 से 50 ग्राम हम इसमें कैबेज यूज़ करेंगे। इसी तरह से हमारी 15 से 20 ग्राम हम इसमें जो है शिमला मिर्च यूज़ किया है। इसके साथ अगर आपको शिमला मिर्च नहीं मिलती तो सीज़न जब स्टार्ट होता है तो सीज़न में आप जो है ना स्प्रिंग ओनियन जिसे हम हरा प्याज कहते हैं वो आप यूज़ करें, आपके नूडल्स की शाइनिंग और जो ब्राइटनेस वो ज़्यादा से उसको आती है, ठीक है। इसके साथ हम जो उसमें स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं, स्पाइसेस में हमारा इसमें जो है शुगर है, शुगर के साथ हमारी शुगर हमने 10 ग्राम ऐड करनी है। ब्लैक पेपर हमने हसबे जायका जो एक बंच या 2 बंच हम इसमें ऐड करनी है। केचप हमारी इसमें जो है हमने 15 से 18 ग्राम इसमें यूज़ करेंगे। इसके साथ हमारी जो चिली, वही चिली जो कि चाइनीज़ में हर जगह पर इस्तेमाल होती है, जो उसकी मैंने आपको रेसिपीज बताई थी, होल चिली के साथ हम बनाते हैं। चिलीज़ हमारी 10 से 12 ग्राम इसमें यूज़ होगी। चिकन पाउडर हमारा इसमें हमारा यूज़ होगा 10 ग्राम। ऑस्टर सॉस जो एक स्पेशल बॉटल से भी आती है, वो किसी भी ब्रांड में आप ले सकते हैं घर के लिए। तो ये हमारी ऑस्टर सॉस जो है वो आएगी 5 से 8 ग्राम इसमें आप यूज़ करेंगे। ये हमारा सॉल्ट जो है, सॉल्ट आप जो हम जो है वो 5 ग्राम इसमें सॉल्ट यूज़ करेंगे प्रॉपर एक रेसिपी के लिए। तब हम आइडिया बताते हैं कि नूडल्स को हमने कैसे बनाना है। इसके लिए हमारा जो है चिकन, चिकन को हल्का सा हम इसे ऑयल के साथ हम फ्राई करेंगे। जब आपका चिकन थोड़ा सा फ्राई हो जाए, आपका कलर थोड़ा सा उसमें आना शुरू हो जाए डार्क, तो आप इसमें डालेंगे जो आपने ओनियन रखा हुआ है वो आप उसमें ओनियन डाल देंगे कि आपका जो प्याज है उसकी जो लुक है वो आपकी प्रॉपर उसका टेस्ट के साथ सेट हो जाए। इसके बाद आपने इसको स्ट्रेन कर लेना। ये आपने अलहदा से एक बर्तन रखा होगा जिसके अंदर आप इसको स्ट्रेन करेंगे, ठीक है। आपने जो चिकन और वो जो चीज़ें स्ट्रेन की हैं आप इसको अलहदा से रख लिया। इसके बाद हम जाएंगे इसके प्रोसेस के अंदर। अब दोबारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है, हम इस पर हल्का सा ऑयल लेंगे, ऑयल के साथ ऑयल डालना है मोस्टली आप 30 ग्राम डाल सकते हैं। 30 ग्राम ऑयल डालने के बाद आपने लहसुन जो है 1 टेबल स्पून आपने इस पर लहसुन ऐड करना। लहसुन ऐड करने के बाद आपने जो चिलीज है हल्की सी आपने जो चिली इसके अंदर ऐड करनी है। चिलीज ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आप इसके अंदर केचप ऐड करेंगे। हल्का सा आप इसमें जो थोड़ा सा पानी लगा लेगा आपका जो चिलीज़ है आपके जले नहीं, ठीक है। चिलीज़ के बाद आपने जो मैंने चिकन पाउडर आप इसके अंदर ऐड करेंगे। चिकन पाउडर के बाद आप जो हमारा सॉल्ट है वो आप वो ऐड करेंगे। सॉल्ट के बाद आप इसमें जो शुगर है वो आप ऐड करके आप इसका फ्लेवर ऐड करेंगे। और ऑस्टर सॉस आपकी जो है वो आप इसमें ऐड कर दी है, ठीक है। बाकी थोड़ी सी आप बचा लेंगे कि जो आपने बाद में उसको कलर के लिए आप ऐड करेंगे। ये आपका जो चिकन और ओनियन आपने जो इसके अंदर बनाया वो आप ऐड करेंगे। इसके अंदर ऐड करने के बाद हल्की से आप इसमें कैबेज जो आपने की है वो ऐड करेंगे। कैबेज और कैरेट जो आपने ऐड की है अब आप इसमें ऐड किया। आपने जो है शिमला मिर्च जो कि रेसिपीज के मुताबिक मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब आपकी नूडल्स जो है हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं।
हल्का सा आप ऑयल लगाएंगे इसकी शाइनिंग के लिए, और जब ऑयस्टर सॉस आपकी बची है वो आप इसमें ऐड कर देंगे। ऑयस्टर सॉस ऐड करने के बाद आपका जो नूडल है वो आपकी फाइनली आपकी रेडी। हल्का सा आप इसको हिलाते रहना, ठीक है, आपकी नूडल जले नहीं, ठीक है। आपकी नूडल जो है वो आप फाइनली आपकी नूडल रेडी है। अब आपकी जो नूडल्स है वो हमने सर्विंग के लिए तैयार है। वाओ, ये जी आपकी नूडल्स जो कि आप घर में बनाते हैं, आपकी नूडल्स रेडी है। जो आपने नूडल्स बनाई है वो हम टेस्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि हमारी नूडल्स का टेस्ट कैसा था। चले जी, अब ये नूडल्स बनाने के लिए आप हमारा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ये नूडल्स को आप बार बार घर में ट्राई करें। इंशाल्लाह जैसी मैंने बनाई है वैसी आप उम्मीद है कि आप घर में बना सकेंगे। थैंक यू।